हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक मनी। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज यूजुअली जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, आइदर थ्रू रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, हमें पता नहीं होता कि मैच्योरिटी में हमें कितने पैसे मिलेंगे। हमारे पास हमें पता है हम इन्वेस्टमेंट कितना करें, रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है, हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, हमें सब पता होता है, लेकिन मैच्योरिटी में कितने पैसे आएंगे उसका हमें डाउट रहता है। सो आज हम वही सीखेंगे एक्सेल के थ्रू कि कैसे हम रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी वैल्यू को इन्वेस्टमेंट के पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट, एज द नेम सजेस्ट, हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं, वेर एज फिक्स डिपॉजिट में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बार ही इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो लॉक हो जाती है। तो भले ही आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, दो साल के, तीन साल के लिए, आपके बैंक मैनेजर के साथ जब डिस्कशन होता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं आप कितने पैसे के लिए आपको लॉग इन करना है। इस एग्जाम्पल में हमने तीन साल का लॉग इन पीरियड मान के चल रहे। ओके, तो कैसे पता करेंगे कि हम रिकरिंग डिपॉजिट के या फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी? ये समझाने के लिए सबसे पहले हम एक मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे। सो रेट मैंने 5% रखा है। वाई 5%? बिकॉज अगर हम bankbazaar.com में इंटरेस्ट रेट्स देखें, HDFC फॉर एग्जाम्पल, HDFC के RD इंटरेस्ट रेट्स, तो जो हमारे जनरल सिटीजन्स हैं उनके लिए 5% के आसपास का एवरेज चल रहा है। तो 5% ही अपने कैलकुलेशन में अभी मान के चलेंगे। सो जनवरी 2022 ओपनिंग बैलेंस आपका जीरो है, आपके महीने का पहला इन्वेस्टमेंट है प्रिंसिपल 1000 रुपीज। इंटरेस्ट कितना होगा? इज इक्वल टू दिस इनटू आपका 5%, बट बिकॉज आपका 5% पूरे साल भर का है, इसको हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 4 रुपीज। तो आपके पहले मंथ के एंड में आपको कितना पैसा आएगा? 1000 प्लस 4 रुपीज, राइट। फरवरी का महीना आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है यही आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1004। आपने सेकेंड फरवरी महीने में भी सेकेंड इन्वेस्टमेंट जाएगा विच इज 1000 रुपीज। तो यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट कितना होगा? तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो हम पहले हमारे इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देते हैं, विच इज दिस प्लस या तो इसको इक्वल टू दिस प्लस दिस ब्रैकेट क्लोज इनटू 5% डिवाइडेड बाय 12। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम डॉलर साइन डाल देंगे ताकि हमारा ये लॉक हो जाए और हम इस फॉर्मूला को फिर ड्रैग कर सके। तो अब हमारा जो सही फॉर्मूला आएगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब एंटर क्लिक कर देंगे, अब ये फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। तो अब हमारा थर्ड इन्वेस्टमेंट जो होगा मार्च के महीने में वो 1000 रुपए तो होगा ही, बट हम पिछले फरवरी के महीने से कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे विच इज दिस अमाउंट। अब हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं इस प्रकार से, तो 13 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देख लेते हैं, हमने इसे प्लस किया 2013, हमने इसे प्लस किया विच इज 1000 रुपीज, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो हमारा 13 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। और इसको भी अगर हम ड्रैग कर दें तो हमारा जो थर्ड महीने का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3025 हो जाएगा। अब इस चीज को अगर मैं नीचे तक ड्रैग कर दूं टिल 36, बिकॉज हमने 36 मंथ्स तक का इन्वेस्टमेंट देखना है। ये देखिए, ये यहाँ पर 1000 रुपीज 1234 आ गया, नहीं ये यहाँ ये 1000 रुपीज ही रहेगा हर समय। तो अगर आप देखेंगे आपका जो फाइनल अमाउंट है वो 38,915 का हो चुका है। तो इसे हम याद रखेंगे 38,915। तो ये चीज हमने यहाँ पर मैन्युअली कैलकुलेट की है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला में कैसे सेम नंबर आएगा हमारा विदाउट डूइंग दिस मैनुअल कैलकुलेशन।
सो मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, इज इक्वल टू फेस वैल्यू ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर देखिए रेट है, तो रेट में हम लिखेंगे 5%, बट बिकॉज हमारा जो परसेंटेज है वो डिवाइड बाय 12 होगा, बिकॉज ये साल भर का परसेंटेज है, तो इसको भी हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे। नंबर ऑफ पीरियड, एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड होता है, तो यहाँ पर हम 36 कर देंगे। पीएमटी मतलब आप हर महीने कितने का पेमेंट कर रहे हैं, पीएमटी फॉर पेमेंट, तो बिकॉज आप 1000 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं और बिकॉज ये आपके जेब से जा रहा है हर महीने, तो हम इसे -1000 पे क्लिक करेंगे। दिस इज -1000, जो भी पैसा आपके जेब से आता है वो नेगेटिव ही एक्सेल में आप कैलकुलेट करेंगे। पीवी प्रेजेंट वैल्यू इसकी जीरो है, बिकॉज हमने देखा था ओपनिंग में हमारी जीरो बैलेंस थी, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगी। एंड टाइप, अब टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप मतलब आप ये जो पैसे हैं कब ले रहे हैं, इंटरेस्ट आपको कब कमा के दे रहे हैं, महीने के स्टार्टिंग में या महीने के एंड में। अगर महीने का स्टार्टिंग होता हम जीरो क्लिक करते हैं, बट बिकॉज हमें रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट महीने के एंड में मिलते हैं, इसलिए हम इसे 1 रखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखते हैं हमारा सेम पैसे आ रहे कि नहीं। हाँ जी, सेम पैसे आ रहे हैं, 38,914। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 38,915 भी आता है। दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। अभी हम सेम फॉर्मूला फिक्स डिपॉजिट के लिए भी करेंगे। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, एफ वी फॉर फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन। रेट हम यहाँ कितना है हमारा 5.1%। मैंने रिसेंटली HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाया था, तो उसमें मेरे को 5.1% का ही रिटर्न मिला था, तो आई विल टेक दिस एज माय रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ पर मैं डिवाइड बाय 12 इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पर मैं 3 साल का डिपॉजिट के मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पर महीने महीने का रिटर्न मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो दिस इज माय ईयरली रिटर्न। नंबर ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। मेरा पीएमटी कितना हो जाएगा, पीएमटी यहाँ पर मेरा जीरो होगा बिकॉज ये मेरा एक बार का डिपॉजिट है, तो ये जीरो हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, बिकॉज मेरा एक बार का डिपॉजिट है और मेरी स्टार्टिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहेगी, तो माइनस ऑफ दिस 1 लाख रुपीज। और टाइप, टाइप क्या है, यहाँ पर मुझे साल के एंड में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगी, तो मैं साल के एंड में करूंगा, तो हमें 1 टाइप करना है। याद रखें, साल के पहले स्टार्टिंग में अगर आपको इंटरेस्ट कमाना है तो आप 0 लिखेंगे, साल के एंड में करना है तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारिए, तो आपको कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू में, 1,16,000। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर मैच्योरिटी वैल्यू बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। और आप देखेंगे कि यही नंबर आपके बैंक के नंबर से मेल खाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। अब आप देखिए, आपने रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पर महीने के 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट 5% है, और टाइम इन मंथ्स 36, 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया और आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिले 38,915। यही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना बेनिफिट मिलता, आज मैं आपको वो चीज ही बताता हूँ। ऐसा नहीं कि रिकरिंग डिपॉजिट में बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर ही रहे तो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स भी आप जान ले ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके। मंथली आपका 1000 रुपीज है, म्यूचुअल फंड में यूजुअली आपको 12% तक का तो रिटर्न मिल ही जाता है, 12%, और टाइम इन मंथ्स 36। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रेट को 12% कर दिया, मेरा जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो सीधा चेंज हो के 43,000 पे आ चुका है। ये देखिए फॉर्मूला एज इट इज रखा है मैंने, 43,508। तो अगर आप नोटिस करें, रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पर 5% के रिटर्न से 38,000 का बेनिफिट मिल रहा है, और यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 43,508 हो सकती है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सेल। तो अगर आपको भी अपने फंड्स के मैच्योरिटी वैल्यू जाननी है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने से इतने रेट पे इतने महीनों में मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, तो आप ये FV के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा FV का फॉर्मूला बहुत आसान है, आप ये एक्सेल फाइल में खुद कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और सीख सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।